आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप साड़ी से गाउन बनाना, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने लिए बहुत घेरदार गाउन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि साड़ी के मैचिंग का अस्तर लेना है और मीडियम साइज में आप बड़ी आसानी से 3.5 मीटर अस्तर में बहुत अच्छा घेर बना कर तैयार कर सकते हैं। तो साड़ी उठाइए और उसको फैला लीजिए। तो साड़ी को फैलाना है आपको और उसमें से पल्लू को निकाल के अलग करना है। जब भी आप पल्लू को अलग करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका जो बॉर्डर होता है उससे 1/2 इंच की दूरी से काटिए, जिससे इस डिजाइन को आप फिर यूज कर सकते हैं। तो डिजाइन से हमने 1/2 इंच की दूरी को बनाते हुए यहाँ पर निशान लगा दिया है और सीधा पल्लू को काट कर अलग कर देंगे। पल्लू को काट के अलग कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि साड़ी में अगर इस तरह का बॉर्डर है तो बॉर्डर को भी अलग कर दीजिए। दोनों साइड के बॉर्डर को हम निकाल लेंगे, जिससे इसके घेरा में नीचे की साइड जॉइंट करेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। अब बॉर्डर को भी आपको 1/2 इंच की दूरी से काटना है, बॉर्डर को छोड़ना है और इधर की साइड 1/2 इंच कपड़े को बढ़ा लेना है, जिससे जॉइंट करने में ये मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने साड़ी के दोनों बॉर्डर को काट के निकाल लिया है। ऊपर नीचे के जो बॉर्डर थे उन दोनों को काट के हमने अलग कर दिया है और ये है इसका पल्लू। पल्लू से बनाएंगे हम चोली और आस्तीनें, जिससे गाउन का जो लुक है बहुत सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको काट कर निकाल लेना है। अभी इन सबको हम अलग रख देंगे। इस पार्ट को अलग रख दिया है और ये जो साड़ी का बीच का बचा हुआ भाग है इसको हम फैला लेंगे। इसको आपको 4 लेयर में रखना है। अच्छे से मिलाइए और 4 लेयर में रख लीजिए। तो साड़ी को हमने लंबाई की साइड से 4 लेयर में रख दिया है। इस साइड से पूरी तरह से बंद है और दोनों साइड से खुला हुआ है। इस तरह आपको साड़ी को फैला कर रखना है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले बॉडी का नाप लेकर और लिख कर रखना है, इस तरह जैसे मैंने लिख कर रखा है, जिससे आपको कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। आप अपने नाप को देखते जाइए और उसमें से माइनस करना है आपको चोली का नाप। जैसे नीचे के हमने बॉर्डर निकाले हैं तो बॉर्डर भी इसमें फिर से ज्वाइंट करेंगे। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि गाउन की पूरी लंबाई आपको कितना रखना है। तो जैसे कि इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 50 इंच। 50 इंच में 15 इंच की चोली को पहले माइनस करेंगे और 4 इंच के बॉर्डर को माइनस करेंगे। तो पूरा माइनस कितना करना है? 19 इंच। तो इसी तरह आपको चोली की लंबाई का नाप घटाना है और नीचे के बॉर्डर की लंबाई को कम करना है। कटिंग करते समय जब आप घेरा निकाल रहे हैं तो पहले इनका आपको ध्यान रखना है कि नीचे की साइड हम बॉर्डर लगाएंगे और ऊपर की साइड चोली रहेगी, तो बीच का हमारी जो लंबाई है वो घेरा की कितनी रहेगी। तो जैसे कि मुझे घेरा की लंबाई चाहिए 31 इंच, तो यहाँ पे हम 31 इंच को चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कॉर्नर में कमर के नाप का निशान लगाना है। कमर का जो भी चौथाई भाग होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चेक करना है। तो जैसे कि इसमें कमर का चौथाई नाप आ रहा है 7 इंच, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इंच को बढ़ा कर लेंगे इस तरह और एक निशान लगा देंगे। अब आपको क्या करना है कि इधर से ही जो भी ये नाप आता है उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगाते जाइए, जिससे घेरा की जो गुलाई है वो बिल्कुल बराबर से रहेगी। इस तरह आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पर नाप कर एक बार फिर चेक करिए कि कमर की जो गुलाई है उसका चौथाई भाग सही है या यहाँ पर बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नाप बढ़ जाता है, इसलिए आपको मार्जिन ऊपर की साइड लेना है। तो ये हो गया मार्जिन। ये जो हमने मार्किंग की है ये होता है मार्जिन का। अब इधर से ही आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसका 31 फिक्स आ जाएगा और 1/2 इंच ले लेंगे नीचे का मार्जिन और यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इसी तरह यहाँ से हम 31 इंच देखते जाएंगे और 1/2 इंच का रहेगा मार्जिन, तो ये निशान लगेगा 31.5 इंच पर। इस निशान को इस तरह मिलाते जाना है। इंची टेप को आप दोनों हाथ से पकड़ कर रखिए, जिससे छोटा बड़ा नहीं होता है, नहीं तो घेरा आपका क्या है, अगर आप मिलाकर नहीं पकड़ेंगे तो छोटा बड़ा होने का डर रहेगा। इस तरह आपको इंची टेप घुमाते हुए गुलाई से निशान लगाना है, जिससे आपका घेरा कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा और आप बिना ट्रेंगल बनाए बहुत सारा घेर निकाल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कितना सारा घेर इसका बनकर तैयार हो जाएगा।
अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो नीचे से इसकी कटिंग कर दी है, अब आपको क्या करना है कि ऊपर की कटिंग करना है। तो मार्जिन के निशान से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैं आपको इसका घेरा दिखाती हूँ कि कितना सुंदर घेरा इसका बनकर तैयार होगा। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें। तो इस तरह आप साड़ी से बहुत हैवी घेरे को निकाल सकते हैं। अब हम इस घेरा को अलग रख देंगे और चोली की कटिंग करेंगे। चोली की कटिंग करने के लिए हमने ले लिया है अब अस्तर का कपड़ा। अस्तर के कपड़े को आपको लंबे में फोल्ड करना है। लंबे में फोल्ड करने के बाद इसको एक बार फिर पलट देना है, जिससे कपड़ा हो जाएगा चार लेयर में। जब भी आप चोली की कटिंग करते हैं तो पहले कटिंग आपको अस्तर पर करनी है, जिससे मार्किंग भी क्लियर दिखेगी और कटिंग करने में भी आसानी होगी। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक किनारी की साइड निशान लगाना है, जिससे किनारी का जो कड़क कपड़ा होता है उसको हम काट कर अलग कर देंगे। और उसी निशान से अब आपको चोली की लंबाई का निशान लगाना है। जो भी साइज आती है उसका निशान लगा लीजिए, जैसे कि मैं लगा रही हूँ 15 इंच पर, और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है तो ये निशान आएगा 16 इंच पर। आधा इंच मार्जिन नीचे की साइड रहेगा और आधा इंच मार्जिन ऊपर की साइड रहेगा, तो ये निशान लगा दिए हमने 16 इंच पर। अब आपको दूसरा निशान लगाना है आर्म होल के लिए, तो आर्म होल का निशान लगा दिया है हमने 5.25 इंच पर, और इस निशान को सीधा कर देंगे। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है अपने फुल शोल्डर का। जो भी आपका बॉडी से शोल्डर का नाप आता है उसका निशान लगाइए। और जैसे कि इसमें मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो बोट नेक में आपको क्या करना है कि शोल्डर के नाप में से 1 इंच कम कर देना है और आधा इंच ले लिया मार्जिन के लिए। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लगाना है अब आपको चेस्ट साइज का निशान। तो जैसे कि इसमें चेस्ट साइज है 34 और बॉडी से नाप लेते हैं तो इसमें लूजिंग भी बढ़ाई जाती है। 34 का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच, आधा इंच की इसमें लूजिंग मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे कमर का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें कमर की साइज है 28 इंच, 28 का चौथाई भाग होता है 7 इंच, लेकिन आधा इंच की इसमें लूजिंग मिला देंगे तो ये निशान आएगा 7.5 इंच पर। अब इन निशानों को मिला देना है और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। उसके बाद अब आपको आर्म होल में ध्यान देना है कि जब भी हम बोट नेक के लिए या फुल शोल्डर यूज करते हैं जहाँ पर, उसके आर्म होल को आपको आधा इंच पीछे लेना है। ये मैं आपको कई वीडियो में भी बताई हूँ कि आधा इंच आर्म होल को पीछे लीजिए और तिरछा निशान मिला दीजिए। उसके बाद अब आपको आर्म होल में गुलाई देना है, तो इस तरह आप गुलाई दे दीजिए। गुलाई के बाद अब यहाँ पर लगाएंगे हम गले का निशान। तो जैसे कि इसका बोट नेक है तो बोट नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच में इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट कम रखना है, कटिंग करते समय 2 पॉइंट कम रखिए, जिससे बनकर तैयारी 4 इंच में हो जाएगा। और लंबाई रखेंगे 3 इंच और इसका बॉक्स बना दीजिए। इस तरह आपको मिला देना है, उसके बाद गले में गुलाई देना है। गुलाई देने के बाद यहाँ पर शोल्डर को आपको थोड़ा सा तिरछा कर देना है, शोल्डर में थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए। तो आगे और पीछे के पार्ट के निशान लग चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि पीछे के पार्ट के लिए एक निशान लगाना है आर्म होल के लिए, जो रहेगा 1.5 इंच की दूरी से। पहला निशान रहता है 1 इंच से और पीछे का जो निशान रहता है वो आधा इंच बढ़ाकर लगाया जाता है, और इसी निशान से आपको मिला देना, जिससे कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हमें इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देना है। इस तरह कटिंग करने के बाद अब आपको आधा इंच के हिसाब से नीचे की साइड सेटिंग करना है। इस तरह आप सेटिंग कर देंगे तो ये पार्ट नीचे की साइड झुकाव नहीं करेगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि पीछे के पार्ट को निकाल लेना है। अब आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार गले की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे डिजाइन आपको पसंद है आप अपने अनुसार बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस गले की लंबाई को 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूँ, जिससे इसमें बहुत सुंदर लुक आ जाएगा और आगे के गले से शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। अब आपको आर्म होल की सेटिंग कर देना है, जो निशान बना हुआ है उसी पर आपको कटिंग करना है। तो इस तरह आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग कम्प्लीट हुई। अब हम इसको अलग रख देंगे।
अब कटिंग करेंगे हम आस्तीनों की। तो ये साड़ी का हमने बचा हुआ कपड़ा ले लिया है और इसको चार लेयर में रख दिया है, जिससे दोनों आस्तीनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। इसे चार लेयर में रखिए और आस्तीनों की जो भी आपकी लंबाई है उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे आस्तीन तैयार करना है 15 इंच की, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम पहले 10 इंच का और इसमें 5 इंच का बॉर्डर जॉइंट करेंगे, जिससे इसमें एक सुंदर लुक भी आ जाएगा और आस्तीन की लंबाई पूरी हो जाएगी। तो ये हो गया 10 इंच, 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, जो आधा इंच नीचे की साइड यूज होगा और आधा इंच ऊपर की साइड यूज होगा। तो यहाँ पर हमने लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। अब दूसरा निशान लगाना है आपको 3 इंच पर, तो ये 3 इंच पर निशान लगा दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आर्म होल की जो भी साइज होती है, जो निशान हमने आर्म होल के लिए लगाया है, उससे आपको आधा इंच बढ़ा कर इस निशान को लगाना है। तो ये निशान लगा दिया है हमने 6 इंच 2 पॉइंट पर, और इसको गुलाई देते हुए इस तरह मिला देना है। और आप चाहें तो आस्तीन की गुलाई को भी चेक कर सकते हैं, जिससे आस्तीन आपकी कभी छोटी बड़ी नहीं होगी। जो भी मोहरी आती है उससे आपको आधा इंच बढ़ा कर रखना है और इस निशान को मिला दीजिए। और ये हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन। अब मार्जिन के निशान से ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब आपको आस्तीन को खोलकर इस तरह रखना है और आगे के पार्ट में गहराई देना है। तो ये दो पार्ट जुड़े हुए हैं, अब एक साइड इसमें गहराई दे देंगे। तो ये मीडियम साइज में गहराई रहती है 1.25 इंच पर ही। इस तरह आस्तीनों की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसके लिए बॉर्डर निकालेंगे। तो ये ले लिया हमने साड़ी के पल्लू के कपड़े को, अब इसमें से निकालेंगे बॉर्डर, जिससे आस्तीनों की लंबाई पूरी हो जाएगी और बहुत सुंदर इसमें डिजाइन का लुक भी आ जाएगा। तो जहाँ से ये बॉर्डर बना हुआ है उधर से आधा इंच कपड़े को बढ़ाते हुए हम एक सीधी पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने आस्तीनों के लिए बॉर्डर निकाल लिया है। और ये साड़ी का जो पल्लू है उसको आपको सीधा फैला कर रखना है और उठाना है चोली के आगे और पीछे के पार्ट, दोनों पार्टों को आपको उठाना है और इस पर मिलाकर अच्छे से रख लीजिए। मिलाकर रखिए और थोड़ा सा बढ़ाते हुए आपको इसकी कटिंग करना है। और ध्यान देना है इसमें कि गले की कटिंग अभी नहीं करना है, गले की कटिंग करेंगे हम बनाते समय, जब गले को तैयार करेंगे उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। आपको बस सेम निशान लगाते जाना है। अस्तर के कपड़े से आपको थोड़ा सा साड़ी के कपड़े को बढ़ा कर लेना है, जिससे साड़ी का कपड़ा अस्तर से छोटा ना हो। इस तरह थोड़ा सा बढ़ाते हुए निशान लगा लीजिए और सेम कटिंग करके निकाल लीजिए। इस तरह आपको दोनों पार्ट की कटिंग करना है और अच्छे से इसमें जगह जगह पिन लगा देना है, जिससे कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा और ये हिलेगा नहीं। और अच्छे से पिन लगाकर इसको रख देंगे, जिससे सिलाई डालने में भी आसानी होगी और ये फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। अस्तर का जो भी बचा हुआ कपड़ा है इसको चार लेयर में रख लीजिए। तो इसको हमने चार लेयर में रख लिया है। और जो हमने साड़ी के कपड़े की कटिंग की थी एक कमर का चौथाई भाग के हिसाब से, उसी कपड़े को उठा लिया है और यहाँ पर रख देना है। इसका भी आपको जॉइंट देखना है कि जॉइंट वाली साइड इस तरफ है, तो इस कपड़े की भी जॉइंट वाली साइड इसी तरफ होना चाहिए। बस मिला के रखना है आपको और यहाँ पर निशान बना लेना है। तो ये मिल गई है आपको कमर के हिसाब से चौथाई भाग की गुलाई, ठीक है। इस तरह इसकी गुलाई आपको मिल जाएगी। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है घेरा की लंबाई का, और जो साड़ी का घेरा है उससे आपको 1 इंच से कम रखना है। तो इस तरह आपको निशान लगाते हुए यहाँ पर आना है, और यहाँ पर अगर कपड़ा कम पड़ जाता है तो एक पेपर को रखिए, पेपर को आपको कपड़े के नीचे दबा कर रख देना है और अपनी लंबाई को पूरा करते जाना है। अब आपको इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आप अपने घेरा की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अब आपको बस यहाँ पर अच्छे से दबाकर पकड़ना है और इसकी कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर जो जॉइंट रहेगा आप उसको खोल लीजिए। अब आपको पेपर को पकड़ना है और इसके बचे हुए कपड़े से यहाँ पर कपड़े को जॉइंट करना है, अच्छे से मिलाकर रखना है और आपको कटिंग करना है। अब इस कपड़े को हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और इस जॉइंट को खोल देंगे। जो साइड के जॉइंट होते हैं उनको आप खोल दीजिए।
कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। सिलने से पहले एक बार मैं आपको पूरी कटिंग दिखा देती हूँ, फिर सिलना शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये है गाउन के दोनों घेरा और ये है चोली के आगे और पीछे के पार्ट और ये है आस्तीने और नीचे की साइड रखा है बॉर्डर। तो पहले सिलेंगे हम चोली से और इन सारे पार्टों को उठाकर अलग रख देंगे। आगे के पार्ट को उठाएंगे और इसके गले में दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देंगे। दो पॉइंट के हिसाब से आपको सिलाई घुमाते जाना है। इस तरह आपको दो पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर हम निकाल लेंगे, इसलिए आपको पहले से गले की कटिंग नहीं करना है, जिससे सिलाई डालने में आपको बहुत आसानी होगी और दोनों कपड़े बराबर से रहेंगे, कोई भी कपड़ा हिलेगा नहीं। अब आपको छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा देना। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे और उसी के पास तक कट लगा दीजिए। इस तरह आपको कट लगाना है। कट लगाकर इसको पलटना है, अंदर की साइड इसको पलट देंगे। अब अच्छे से आपको अस्तर को मिला लेना है। इस तरह मिला लीजिए और मिलाने के बाद यहाँ पर दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाइए, जिससे अस्तर अच्छे से अंदर की साइड को सेट हो जाएगा। इसके ऊपर से आपको सिलाई चलाना है। इस तरह अच्छे से दबाते हुए दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई चला दीजिए। तो इस तरह आपको दो पॉइंट की यहाँ पर सिलाई लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आप पिन से इसको रोक लीजिए अस्तर, या फिर आप चाहें तो इसके किनारे में सिलाई डाल सकते हैं। तो जैसे हमने इस गले को तैयार किया, वैसे ही आपको पीछे के गले को तैयार करना है। अब उठाएंगे हम पीछे का पार्ट और इसमें मिलाते हुए दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देंगे। कट लगाकर इसे हमने पलट लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसमें अभी सिलाई नहीं डालना है, इसको सीधा रखिए और आगे के पार्ट को मिलाकर इसके ऊपर रख दीजिए। और यहाँ पर पहले आपको क्या करना है कि ये जो बड़ा हुआ साड़ी का कपड़ा दिख रहा है, अगर ऐसा बढ़ता है तो पहले उसकी सेटिंग कर लीजिए, फिर इसको ज्वाइंट करिए। इस तरह आपको कपड़े को निकालते जाना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस सिलाई से जो गले की सिलाई है उसी से आपको दूसरे पार्ट को मिलाना है सामने वाले को, और इसके अस्तर को इसी के ऊपर पलट देना है। इस तरह आपको अच्छे से पकड़ना है और इसके ऊपर आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है, जिससे ये सिलाई इनविजिबल हो जाएगी और कंधे से आपकी टकराएगी नहीं। इसी तरह जॉइंट हमें इस साइड लगाना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरह आपको चारों कपड़ों को पकड़ते हुए इसमें सिलाई डालना है और फिर इस कपड़े को पकड़ना है और पीछे की साइड पलटना है। तो देख सकते हैं आपकी कितनी फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट लगकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सिलाई कंधे से बिल्कुल भी नहीं टकराएगी, इनविजिबल हो गई है। अब इसी तरह आपको दोनों शोल्डर की सिलाई का जॉइंट लगाना है। अब आपको दो पॉइंट की सिलाई गले में डाल देना है, जिससे अस्तर और कपड़ा दोनों जॉइंट हो जाएंगे। इस सिलाई को डालने के बाद अब हम एक बॉर्डर की पट्टी लेंगे जो नीचे की साइड जॉइंट करेंगे, और फिर इसमें डालेंगे डोरी और लटकन, जिससे इसका लुक बहुत सुंदर दिखेगा। इसके बराबर से एक पट्टी लेना है और इसको एक इंच बढ़ाकर रखेंगे। तो इसे हमने एक इंच बढ़ाकर काट लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डोरी डालने के लिए हम एक 3 इंच पर कट लगाएंगे। तो इंची टेप से मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। 3 इंच के हिसाब से एक पट्टी लेना है और आधा इंच यहाँ पर बढ़ाकर लेना है, जिसमें सिलाई डाल देंगे, और इस पट्टी को काट लिया। अब यहाँ पर इस तरह पट्टी को फोल्ड कर रखेंगे, इसके पास से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई डालेंगे। ऊपर की साइड से किनारे से सिलाई डालना है और दूसरी पट्टी को यहाँ पर रखेंगे। पहले आधा इंच पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है और इसी के पास से मिलाते हुए यहाँ से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इसके किनारे से सिलाई डालते जाना है। इस तरह मिलाते जाएंगे और यहाँ तक सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह हमने बॉर्डर को ज्वाइंट कर दिया है और यहाँ पर गैप बना दिया है। तो अब उठा लेंगे हम आस्तीने। तो ये ले ली है हमने आस्तीन। अभी एक आस्तीन को लेना है और एक को रख देंगे। अब इसको सीधा रखना है और इसके ऊपर बॉर्डर को उल्टा रखना है। मिलाते हुए हम इसमें सिलाई डाल देंगे। तो आस्तीन की लंबाई के हिसाब से हमने इसमें बॉर्डर को ज्वाइंट कर दिया है और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर हम निकाल देंगे। तो इसकी आस्तीन की लंबाई अब बढ़ गई है। अब आपको क्या करना है, बस नीचे की साइड इसमें सिलाई डालना है, थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है
और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई डाल देना है, जिससे इसकी किनारे की फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह आपको दोनों आस्तीनों को तैयार करके रखना है। अब आपको क्या करना है कि एक गहराई वाली साइड को इसके ऊपर पलट देना है इस तरह, जिससे गहराई वाली साइड जो है वो सामने के पार्ट में आए। और इसका जो बीच का सेंटर है यहाँ पे आप चाहो तो कट भी लगा सकते हो, या इस निशान को इस तरह मिला लोगे तो बीच का सेंटर आपको पता चल जाएगा। अब बीच के सेंटर में एक पिन लगा देना है और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डालते जाना है। आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई डालते जाना है। इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालते जाना है, जिससे अगर पीछे की आस्तीन आधा इंच बढ़ जाती है तो आप उसकी काट के सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है। पीछे की आर्म होल में गहराई कम होती है और आगे की आर्म होल में गहराई ज़्यादा होती है, इसलिए अगर बढ़ जाता है कपड़ा तो आप इस तरह सेटिंग कर दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इस तरह सेटिंग कर देना है। तो इस तरह आप सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद अब आपको सेम आइडिया से दूसरी आस्तीन फिट करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसकी हमने दूसरी आस्तीन भी लगा दी है। अब आपको क्या करना है कि इसको पलट लेना और इसकी फिटिंग की सिलाई डालना है। इसको पलट कर इस तरह रखेंगे जिससे निशान आपको क्लियर दिखेगा। उसी निशान को आपको डार्क करना है और इसमें फिटिंग की सिलाई डाल देना है। इस निशान को हम डार्क कर देंगे, जितना मार्जिन लिया था बस उसी निशान को डार्क करते हुए इसमें सिलाई डालना है। अब इस निशान को इस साइड पलटना है। तो ये निशान इस साइड भी आ गया है। अब इसको डार्क करना है और इसी के ऊपर सिलाई डालना है। और सिलाई डालने से पहले हम इसमें डोरी को ज्वाइंट करेंगे, जिससे सिलाई के साथ ही डोरी भी इसमें ज्वाइंट हो जाएगी। तो ये डोरी और लटकन मैंने बना कर रखे हैं, और डोरी लटकन तो मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। तो एक डोरी इसकी छोटी है और एक डोरी इसकी बड़ी है। जो बड़ी वाली डोरी है उसे डालेंगे हम इस साइड, और जो छोटी वाली डोरी है उसे डालेंगे इस साइड। और यहाँ पर पिन लगा लेंगे, जिससे डोरी इसमें जॉइंट रहेगी और सिलाई डालने में आसानी होगी। अब इस डोरी को अंदर की साइड डाल देना है और मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। इसमें फिटिंग की सिलाई को डालने के बाद अब इसे पलटकर सीधा करना है और फिर तैयार करेंगे हम घेरा को। तो इसे अभी हम साइड से रख देंगे और उठाएंगे घेरा। तो ये ले लिया हमने साड़ी का घेरा। अब आपको क्या करना है कि इसके एक साइड सिलाई डालना है। मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से एक साइड सिलाई डाल दीजिए और फिर नीचे की साइड इसमें बॉर्डर फिट करिए। घेरा का एक साइड का ज्वाइंट हमने लगा दिया है। अब आपको घेरा का एक कॉर्नर पकड़ना है और इसमें बॉर्डर को फिट करना है। ये घेरा हमने फैला कर रख लिया है। घेरा को फैलाना है और बॉर्डर को उल्टा रखना है। ये घेरा रहेगा सीधा और ये बॉर्डर रहेगा उल्टे साइड से। मिलाते जाना है और पूरे घेरा में सिलाई डालकर इसे तैयार करना है। घेरा के नीचे साइड हमने पूरे में बॉर्डर को ज्वाइंट कर दिया है। उसके बाद बस इसके दूसरी साइड की सिलाई डालना है। मिलाकर रखिए और दोनों पार्ट को पकड़ते हुए सीधी सिलाई डाल दीजिए। घेरा की दूसरी साइड भी हमने सिलाई डाल दी है। अब जैसे हमने इस घेरा को तैयार किया है वैसे ही अब आपको अस्तर वाला घेरा भी तैयार करना है। तो अब उठाएंगे हम अस्तर का घेरा। ये ले लिया हमने अस्तर वाला घेरा, और इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए जो हमने चार पट्टियों की कटिंग की थी उसको इसमें जॉइंट कर देंगे, जिससे घेरा की लंबाई पूरी हो जाएगी। तो एक कली इसकी पकड़ेंगे और एक कली इसकी पकड़ेंगे, इस तरह मिलाते हुए इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह आपको पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको घेरा में जॉइंट लगाना है। तो दोनों साइड इसके जॉइंट किया है और दोनों साइड इसमें जॉइंट कर दिया है। अब आपको दोनों साइड से अच्छे से मिलाकर पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। मिलाते जाना है और सीधी सिलाई डालते जाना है। इस तरह आपको दोनों साइड इसमें सीधी सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद
अब इस घेरा को सीधा कर लेना है। इसको सीधा कर दिया है, इसकी सिलाई अब अंदर की साइड हो गई है। सिलाई को अंदर की साइड कर दिया है, साड़ी के घेरा को भी हमने सीधा कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर मिला कर रखना है इस तरह। इस सिलाई को इस सिलाई से मिला दीजिए, इसके अंदर से निकाल देना है इस तरह। तो सिलाई से ये सिलाई मिल गई है, अब दूसरी साइड की भी इसी तरह मिलाना है। इस तरह आपको मिलाकर पकड़ना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। सिलाई से सिलाई को मिलाइए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए, और एक पिन लगा लेंगे इस साइड। दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए पिन लगा लिया और एक एक पिन लगा देंगे इसके बीच सेंटर में। तो इस तरह आपको दोनों घेरा को ज्वाइंट करना है और इसमें एक मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए, जिससे दोनों घेरा अच्छे से ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इसमें आपको आधा इंच के हिसाब से गोल सिलाई घुमा देना है। इस तरह आपको गुलाई से इसमें सिलाई घुमा देना है। अब उठाना है चोली को और बराबर मिलाते हुए चेक करना है कि अगर आपका घेरा बड़ा हो जाता है तो आप अभी सिलाई डाल सकते हैं, साइड से सिलाई डालकर घेरा को कम कर सकते हैं। इस तरह मिलाकर आपको चेक करना है, उसके बाद इसे उल्टा रखना है आपको और चोली को सीधा रखना है। अब क्या करना है आपको, इसे पकड़ना है और इसके अंदर की साइड से डाल देना है और साइड वाली सिलाई को सिलाई से मिला लीजिए, घेरा की साइड वाली सिलाई को और चोली की साइड वाली सिलाई को। सिलाई को सिलाई से मिलाना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरह मिलाना है आपको। सिलाई से सिलाई को मिलाया और यहाँ पर पिन लगा लिया। अब बस मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। तो मिलाते जाना है आपको और सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह आपको इसमें गोल सिलाई डालना है और बाद में आप चाहें तो इस पे इंटरलॉक कर सकते हैं या एक सिलाई और डाल सकते हैं, जिससे अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब इसको पलट कर हम सीधा कर देंगे। इस तरह आप साड़ी से बहुत सुंदर गाउन बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।